सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाल ही में चर्मकार विकास संघ महाराष्ट्र राज्य की ओर से मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय खामकर और संघ के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सुभाष मराठे निमगांवकर उपस्थित थे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये चर्मकार विकास संघ महाराष्ट्र और मुंबई की ओर से बुलाई है। आप जानते हैं कि पिछले 10 तारीख को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले 500 साल का संत रविदास महाराज का जो मंदिर है वो गिराया है। आप ये भी जानती है देश भर की जनता, ये मंदिर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करके निर्णय अपने हित में लिया और वो गलत तरीके से उस मंदिर के ऊपर कार्रवाई हुई। हमारा इस आपके माध्यम से दिल्ली प्राधिकरण विकास प्राधिकरण को सवाल है, ये प्राधिकरण ने जो मंदिर यह था रविदास महाराज का, वही रोड पर और भी मंदिर थे, उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन यही क्यों तोड़ा? ये हमारा सवाल आपके माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को है। इसके साथ साथ ये मुद्दे के साथ साथ कल जो महाराष्ट्र के चर्मकार समाज की जो स्थिति है उसके बारे में जो तमाम उनके डिमांड मांगे हैं उसके बारे में हमने मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री महोदय सम्मानीय डॉक्टर सुरेश जी खाड़े साहब, उनके साथ हमने कल मीटिंग लिया। उस बैठक में हमारे बहुत से मुद्दे उसमें रखे गए, बहुत से उन्होंने तत्काल कुछ उसमें राहत मिलाने की दिलाने के बाद थी वो तुरंत छुड़ा दी। कुछ आगे लॉन्ग टर्म के है वो भी उसके ऊपर भी वो गौर करने का उन्होंने वादा किया है, जैसे कि गटे कामगार का पिच जो है स्टॉल है वो छोटा है, अभी पड़ता है, अभी आप देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण के कारण उनको मशीन में रखना पड़ रहा है साथ में, तो मशीन रखने के लिए भी वो जगह अभी स्टॉल के जो 4x4 का जगह है वो कम पड़ता है, उसके लिए 4x5 का 1 फीट और थोड़ा बढ़ाकर उसका साइज बढ़ाकर देने की मांग उन्होंने मान्य कर ली है। यहाँ के फेरी वाले के साथ जो उनकी हमारी गटे कामगार की गणना होती थी उसको भी हमने वहाँ विरोध कर हमारा अत्यावश्यक सेवा का काम करने वाला हमारा गटे कामगार है तो उनको फेरी वाला में हकर्स में न डालते हुए, हकर्स में उनकी गिनती न करते हुए उनको अपना अत्यावश्यक सेवा का गटे कामगार करके एक स्पेशल दर्जा देने का हमने मांग किया है। उन्होंने भी उसको प्रिंसिपली मान लिया है, जैसे कि उनका बीमा अपघाती है, अपघात एक्सीडेंटल पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है या आरोग्य का पॉलिसी है या पेंशन का मुद्दा है, उसी के ऊपर भी हमने जब बात की तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिसाद दिया और उन्होंने बोला कि हम इसको पॉलिसी लेवल पे हम लेके धोरणात्मक इसका निर्णय करेंगे, निर्णय करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उसके साथ साथ ही जिला स्तर पर, हर जिला स्तर पर संत रविदास महाराज जी के विकास केंद्र, विकास अध्ययन केंद्र होना चाहिए, ये हमारी मांग थी, तो उन्होंने तो ऑलरेडी उसका प्रस्ताव पास करके वो संघ मंत्रिमंडल में हमें आने वाला ऐसा बोला, हर जिला स्तर पर वो ऐसा संत रविदास विकास केंद्र की स्थापना हो गई, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं आज इसके बारे में उन्होंने चर्चा की और वो भी आपको पूरे महाराष्ट्र को समझना चाहिए, हमारे समाज तक जाना चाहिए करके ये उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही और एक मुद्दा को मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जो 27 तारीख को एक महाराष्ट्र चर्मकार परिषद का जो मोर्चा आने वाला है, इस मोर्चा में जो आज आपके सामने जो मांगे रखी है वही मांगे उस मोर्चा में रखने वाले थे सरकार के पास जाके, तो उसके पहले ही अगर मंत्री महोदय ने ये सब मांगे हमारे मांग मान लिए, प्रिंसिपली किसको मान्यता दी है, किसको तुरंत होकर दिया है, किसको जो लॉन्ग टर्म के उसके लिए भी उन्होंने प्रयास करने का आश्वासन दिया है, तो अब जो 27 तारीख का होने वाला जो मोर्चा है उसका रिलीवेंस मैं समझता हूँ खत्म हुआ है। इसके लिए भी दूसरा अगर ये सरकार जो मांग हमें आश्वासन दिया है, आश्वासित किया है, अगर वो मुद्दों को लेके अगर सरकार ने कुछ आगे आके कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हमारा चर्मकार विकास संघ और महाराष्ट्र के तमाम चर्मकार संगठन को आगे साथ में लेके हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन ये सब तक 27 तारीख का जो मोर्चा है उसको थोड़ा स्थगित करने का और उनके बाद
पूरा पुनर्विचार करने का कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, इसके लिए तुरंत हम बैठक लेके विभिन्न संगठन से बात करके आगे का मोर्चे के बारे में सोचेंगे। ऐसा एक निर्णय आपके माध्यम से हमको जनता तक पहुंचाना। काल सामाजिक न्याय मंत्री नामदार डॉक्टर सुरेशजी खाडे साहेब यांच्याशी संदर्भात एक सकारात्मक बैठक झाली आणि या बैठकीत खाडे साहेबांनी संत रविदास महाराजांचं दिल्लीतील मंदिराची तोडफोड असेल, नव्याने महाराष्ट्रात संत रविदास विकास भवन असेल, युवकांचं स्पर्धा परीक्षा केंद्र असेल, महिला बचत गट या संदर्भात निर्णय असेल, गठई बांधवांचा निर्णय असेल, गठई बांधवांना न्याय देण्याची भूमिका असेल, अशा अनेक मागण्या सकारात्मक निर्णय दिला आणि पुढच्या काही काळात या मागण्या मान्य करून समाज बांधवांना या सर्व सुविधा मिळतील अशा पद्धतीचं आश्वासन दिलं। म्हणून या सर्व मागण्या खाडे साहेबांनी ज्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितल्या या सर्व समाजापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, म्हणून आज या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं। चर्मकार ऐक्य परिषद ही अनेक संघटना मिळून झालेली अशी एक परिषद आणि त्याचं मी महासचिव म्हणून पदावर कार्यरत आहे आणि येत्या 27 तारखेला याच मागण्याच्या संदर्भात मोर्चाचं नियोजन करायचं ठरलेलं होतं, परंतु त्या अगोदरच माननीय समाज कल्याण मंत्र्यांनी सर्व मागण्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला आणि लवकरच चर्मकार ऐक्य संघाचे पदाधिकारी असतील, सामाजिक कार्यकर्ते असतील, सामाजिक नेते असतील, या सर्वांची एकत्रितपणे बैठक घेऊन समाजाला या सगळ्या मागण्यांच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने न्याय देता येईल अशा पद्धतीची व्यूहरचना करून शासनाच्या माध्यमातून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली। त्या संदर्भात या ठिकाणी आपल्याला सविस्तर माहिती दिलेली आहे आणि या सर्व मागण्यांचे आणि या ठिकाणी गठई बांधवांवर जो अन्याय अत्याचार होतो, काही मनुवादी लोक किंवा हेतुपुरस्कर त्रास देणारे लोक या कष्टकरी बांधवांना त्रास देतात, हे कदापि सहन करणारी चर्मकार विकास संघ किंवा चर्मकार समाज नाही, त्याला तोडीस तोड उत्तर दिले जाईल अशा पद्धतीचा आज या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत आणि हे आपण प्रसिद्ध माध्यमाच्या माध्यमातून जनमानसापर्यंत पोहोचवावे अशी मी या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो। कॅमेरामॅन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।